आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आप संचालय ही नहीं कर रहे तो आप परिचय भी दे रहे हैं और इसलिए आपका परिचय नहीं तो आ, होस्ट का भी कार्य संभाल रहे अपना सेहत को भी आ, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होते हुए भी आप यहाँ एक कार्य अर्थात अपना कार्य समझ कर यहाँ अपना समय दे रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आ, को मैं नमन करता हूँ और आज का इस इस वातावरण को बहुत ही अच्छा श्रद्धामय बनाने वाले ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी और कमला ताई आप दोनों का मैं आ, नमन करता हूँ धन्यवाद देता हूँ बहुत ही अच्छा इस वंदन का पूजा का नेतृत्व कर त्रि वंदना से इस वातावरण को श्रद्धामय बना दिया है आप दोनों का पुण्योदन करता हूँ और उपस्थित यहाँ मेरे सभी धर्मचारी धर्मचारिणी धर्म मित्र महिला पुरुष धम्म सहायक धम्म बंधु धम्म भगिनी आप सभी का मैं इस धर्म शिविर में स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम तो जय भीम जय भीम अब यहां से मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं और मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी आ रही ना अरे वाह वाह ओके तो जय भीम जय भीम बोलोगे है बोलना है तो जय भीम बोलो मैं तुम्हें भीम का साज देता हूं बोलना है तो जय भीम बोलो मैं तुम्हें भीम का साज देता हूं और जाना हो तो बुद्ध विहार में जाओ मैं तुम्हें एक नया रिवाज देता हूं जाना हो तो बुद्ध विहार में जाओ मैं तुम्हें एक नया रिवाज देता हूं क्यों तो इधर उधर भटकते हो नागरतन मालिक बन के रहोगे ऐसा मैं तुम्हें बुद्ध का राज देता हूँ बुद्ध का राज तो भीम और अब बुद्ध की तरफ आना है हमें इधर उधर नहीं भटकना है बहुत भटके हम कल तक हमने देखा दृष्टि विशुद्धि दृष्टि विशुद्धि में हमने देखा कितना भटक रहे थे हम लोग अर्थात बाबा साहब ने इतना अच्छा हमें मौका दिया आ, और यहाँ तक हमें ला दिया ने यहां तक ला दिया और इसलिए कितना उनको आ, अपने लिए कितना कष्ट सर पड़ करना पड़ा होगा है ना तो ऐसा कहते ऐसे ही नहीं मिली ऐसे ही नहीं मिली पहचान हमें इस जमाने में ऐसे ही नहीं मिली पहचान हमें इस जमाने में इसके लिए हजारों हजारों कष्ट सहे मेरे बाबा ने हमें इंसान बनाने में तो हमें इंसान बनाने के लिए बाबा साहब ने जो कष्ट सहन किया है आ, उनका आ, हमें उनका इतना हमारे ऊपर कर्जा है तो हम फिर भी इतना होने के बाद भी कर्मा कांड के तरफ जाते हैं तो इसलिए दृष्टि विशुद्धि में हम कल देखने की कोशिश की और हम आज जो रथ है हमारा दृष्टि विशुद्धि के रथ से हम उतरने वाले हैं अभी और चौथा जो रथ है कंख वितरण विशुद्धि की तरफ बढ़ने वाले तो दुष्टि विशुद्धि और कंख विशुद्ध विशुद्धि इन दोनों के बीच में जो है कंख वितरण कंख वितरण अर्थात कुशंका कुशंका से शुद्ध शुद्धिकरण करना क्योंकि तो हम कंख वितरण हमारे इसमें कंख वितरण कुशंका में पड़े रहते हैं हम बहुत सारी कुशंका है हमारे और कुशंका और दृष्टि भी हमारी बहुत ही अनेक प्रकार की दृष्टिया है तो ये दृष्टि और कुशंका में हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी है तो इसलिए दोनों अगर देखा जाए तो बराबरी ऐसा पता चलेगा कि हम... अपना मायक खोलिए माइक बंद है ठीक है अभी यस यस ओके कहा कब से कब से बंद हो गया जस्ट जस्ट अभी हुआ है ये अचानक कैसा क्या बंद होता है भाई ये टेक्नोलॉजी हो जाता है <laughs> तो हम कंख विकरण कंख वितरण कंखा वितरण दृष्टि और दृष्टि और कंखा वितरण कंखा अर्थात कुशंका और दृष्टि हमारी दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि होती है जहाँ हमने दृष्टिया कल देखने कोशिश की पांच दृष्टिया देखी उसके पहले और भी हमने मत देखे तो यहाँ इसके कारण ही हम कुशंका में जाते हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना कौन को से कोई ना कोई दृष्टि में हम पड़े रहते हैं और इसीलिए हम कंख वितरण अर्थात हम कुशंका में जाते हैं इसलिए कंख वितरण और ये दृष्टि अगर देखे तो ये दोनों लगभग देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक ही है ये कुशंका अर्थात हम कुशंका में जाते हैं और इसके कारण है पंचस्कंद हम जिसको नाम रूप कहते हैं तो हमारा जो नाम रूप है इसको जानना जरूरी है और यथार्थ रूप से जिस समय हम इस नाम रूप को जानेंगे तो धीरे धीरे हम विशुद्धि तरफ जा सकते। तो हमें पंचस्कंद ही ऐसा नहीं है हम जानते हैं लेकिन बहुत कुछ बातें ऊपरी तौर पर जानते हैं पंचस्कंद पढ़ लिया और फिर पढ़ने के बाद में हम उसके ऊपर हाँ ये शरीर है इस प्रकार का हम कहते हैं लेकिन उसकी बा जो तीक्ष्ण जो तीक्ष्ण रूप से अगर हम उनको देखे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ फंसे हुए और इसका कारण कुशंका और दृष्टि का कारण यह स्कंध है और इस को जानना जरूरी है और इसलिए हम ज्यादा तौर पर तो नहीं जान पाएंगे लेकिन थोड़ा कम से कम उसमें हमें परिचित उससे परिचित होने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इसलिए पंचस्कंद के बारे में थोड़ी तो थो भी जानकारी होना चाहिए ऐसा कहते भंते रक्षिता क्या कहते भंते जी कहते हैं कि अगर कोई बोद्ध है तो उनको पंचस्कंद की जानकारी होनी चाहिए और जिसको पंचस्कंद ही मालूम नहीं तो वो बौद्ध नहीं अर्थात हम अगर देखा जाए तो जितने भी हम बौद्ध है कहते हैं अपने आप को तो बौद्ध अगर हम हैं तो हमें पंचस्क मालूम है क्या ये सवाल भी है तो इसलिए क्यों ना हम बौद्ध है स्वयं को बौद्ध कहते हैं तो पंचस्कंद हमें मालूम होना चाहिए था तो जब तक हम इस पंचस्कंद की थोड़ी सी भी अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो हमें विशुद्धि की तरफ जा सकते हैं इसके कारण हम विशुद्ध हो सकते हमारे अंदर की जो कुशंका है वो शुद्ध होने जाती है अर्थात विशुद्धि की तरफ जा सकती और इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण जो है कंखा वितरण विशुद्ध और दृष्टि विशुद्धि तो दृष्टि विशुद्धि तब शुद्ध हो जाती जब हम पंचस्कंद को जानते हैं और जब हम पंचस्कंद को जानते तब हमारी वितरण पंखा वितरण भी ठीक हो जाती तो इसलिए यहाँ हमें देखना है ऐसा कहते हैं निधिनंग व पवत निधिनंग व पवत तारंग यंग पसे पद में कहते हैं क्या कहते हैं व व निधिंग यंग पसे वज निधि अर्थात धन निधि 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 कहते ना निधि माने धन पैसा निधि न निधिन अर्थात खजाना और कौन सा खजाना निधिनंग अर्थात वो खजाना जो गुप्त खजाना कहते हम कभी कभी हम गुप्त धन कहते हैं ना पहले बहुत ही ऐसा उस समय कोई अपना धन आ, क्या करते थे जमीन के अंदर रोप देते देते थे देते थे और फिर कोई फिर उनको पता ही नहीं चलता था फिर उनका कोई कहता कि अपना गुप्त धन मिला या खजाना मिला तो हमको कितनी खुशी हो जाती थी उस समय इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि निधिनंग मने खजाना गुप्त खजाना पवत माने दी खाना देख दिखाना पवत्ता रहने दिखा देना निधि नंग व पवत्ता रंग यंग पस्से पश्च पस, पश्च माने जानना पहचानना समझना पश्च माने देखना समझना अर्थात यंग पश्चे वज्जदस्सीन वज्जदस्स दस दस, दस माने दोष वज्ज माने कर ऐसे दोष ऐसी गलतियां ऐसी चूक ऐसी जो भी हमारी हमारे अंदर जो दोष है हमारे अंदर जो गलतियां करते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं वज्रदस्य अर्थात मतलब गलतियां को बताना देखाना दिखाना पश्चिम दिखाना तो बुद्ध क्या कहते हैं अगर आपको किसी ने आपकी गलती आपकी चूक आपके दोष अगर आपके सामने करके दिया है कोई आपको बताता है बता देता है कि आपके अंदर मित्र ये ऐसा दोष है आपके अंदर यह ऐसी गलती है हाँ इसको सुधारना है अगर ऐसा कोई कहता है तो उसका पुण्य करो बुद्ध कहते कि वह क्या कहते निधि नंग वो पवत्ता रंग जैसा ये समझो कि उस मित्र ने आपको आपका खोया हुआ खजाना दिखा दिया है हाँ ठीक है कितनी बात कहते कि ऐसा गलतियां बताने वाला अगर कोई आपकी बच्चा गलतियां बता देता है और वो आपके नॉलेज में ला कर देता है तो उसका आपने तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए जैसा कि उसने आपको अपना खोया हुआ खजाना दिखा दिया है ऐसा समझकर उनका पुण्यनंदन करो कि मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत पुण्य कि आपने मेरी चूक जो है आपने मेरे दोस्त जो है आपने मेरे सामने कर दी और इसलिए बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि ये दोष ये दोष बताने वाला लेकिन हमारा क्या होता है अगर हमें अपनी कोई चूक बता देता है तो हम उसके ऊपर क्या हो जाते क्या होते गुस्सा हो जाते हैं अपने आप को तो देख तो मेरे मेरे तरफ बता रहा मेरे दोष बता रहा मेरी गलतियां बता रहा तू तो कितना होशियार है हाँ तू तो कितना गलती है तेरे तेरे को पता है तो इस प्रकार हम क्या है उलट करते हैं लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधारते नहीं या उनका पुण्य अनुमोदन नहीं करते उलट हम उसका तीरस्कार करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं अगर किसी ने कहा भाई बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है बाईस प्रतिज्ञा दिए और उस प्रतिज्ञा में आ, ऐसा कहा कि कोई भी देवी देवता की पूजा नहीं करना है तो वो उसके तरफ बौद्ध धर्म उसके तरफ बताने की कोशिश करता है कि बाबा साहब ने बताया है लेकिन वो क्या कहते हैं हाँ, तू कितना होशियार तेरे घर के लोग देख कितने किधर जाते हाँ, अपना खुद को देख और हमको समझाने आया हाँ, अपना पहले ठीक कर उसके बाद हमें बता इस प्रकार से हम क्या कहते हैं उन्होंने जो बताया मित्र हाँ ठीक है आपने जो मेरे दोस्त बताया धन्यवाद हाँ सही में बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर किया है बहुत उपकार किया है हमें हमारी जो गलत रास्ते में थे हम लोग और हमें रास्ते में लाने का काम किया बाबा साहब ने सवलत दिया कुछ है, तो हम उस तरफ न जाते हुए हम उसके ऊपर तिरस्कार करते इसलिए बुद्ध कहते नंग व पवत्तारंग्रदिण अगर आपको कोई गलती करता है गलती बता देता है और वो गलती का इशारा करता है कि भाई आप इससे सुधर जाओ या आप इससे दूर हो जाओ क्योंकि यह अपने धर्म में ठीक नहीं है आ, इस प्रकार का अगर आपको बता देता है तो आप उसके ऊपर नाराज न होते हुए क्या करना है उसका पुण्यधन करना है धन्यवाद देना है कि जैसे मित्र तूने मुझे मेरा खजाना दिखा दिया है ऐसा बुद्ध कहते हाँ तो इसीलिए बुद्ध ये क्या कहते कि निधि नंग व पौतरंग एंग वजदर्शी नंग निगहवादी मेघावी इसके बाद क्या कह निगह्यवादी मेघावी पंडितं भजे क्या कहते पंडितं भजे पंडित पंडित माने विद्वान जो ध्यान करता है पंडित की जो परिभाषा की अः पंडित अर्थात आजकल का पंडित नहीं देखना चाहिए हमें जो पूजा पाठ करता है मंत्र पढ़ता है वो पंडित नहीं है बुद्ध ने जो परिभाषा की पंडित की वो हमें मालूम रहना चाहिए बुद्धन, बुद्धन क्या कहा है ये जो पंडित उसको कहते हैं, किसको कहते हैं कि उसका एक पंडित वज्ञ ही बताया और पंडित वज्ञ में किस प्रकार का पंडित होता है उनकी कैसी क्वालिटी होना चाहिए ये बताई है तो अगर हम पंडित वज्ञ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा है ना तो इसीलिए क्या कहते न तावता न यावता पंडित होती क्या कहते न यावता पंडित होती अर्थात वो पंडित पंडित नहीं है आ, यावता बहु भाष तावता पंडित होती यावता बहु भाषति जो बहुत बोलता है इसलिए वो पंडित नहीं होता खेमी अवेरी अभयो पंडित होती खेमी खेमी माने क्षमा करने वाला जो क्षमाशील है खेमी अवेरी अवेरी आने जो बैर से मुक्त है जो जिसका कोई भी शत्रु नहीं अवेरी अर्थात बैरी और अबैरी मैने बैर से मुक्त तो जो बैर से मुक्त है जो क्षमाशील है और जो अभयो अर्थात भय रहित है जिसको किसी भी प्रकार का भय नहीं आ, किसी भी प्रकार का भय अर्थात कोई भी जो हम आ, हमारे अंदर बहुत सारे डर होते और वो डर किसी प्रकार का नहीं क्योंकि वो सिलवान होता है और सिलवान आदमी अगर होता है तो किसी को भी नहीं डरता आ, लेकिन हमारे अंदर बहुत से डर रहते हम गलती करते तो हमें डर रहता ही है कहीं ना कहीं हम खोप रहता है इसलिए जो इन तीन बातों से मुक्त है जो क्षमाशील है जो पैर से मुक्त है और जो भय रहित है उसको मैं पंडित कहता हूँ बुद्ध कहते पंडित वज्ञ में यह गाथा नहीं आती ये आती धम्म में गाथा आती पंडित में तो पूरा संपूर्ण जो उसमें चौदह गाथा दी है चौदह गाथा पंडित किसको कहते हैं वो बताया है तो इसलिए यहाँ शब्द जो आया है निधिनंग व पंडित ये एक उसमें से एक गाथा यह भी है निधिनंग और क्या कहते हैं निधिंग निगयवादी, निगय, निगयवादी हम कल देखा निग्ग निगह माने निग्रह करना अर्थात नियंत्रित करना स्वयं को नियंत्रित करना तो जिसने अपने आप को स्वयं को नियंत्रित किया है अर्थात इंद्रियों के ऊपर क्या क्या उन्होंने नियंत्रण किया अपने इंद्र के ऊपर तो ऐसा मेघावीवादी मेघावी संग पंडित तंग भजे, ऐसे विद्वान के साथ में रहना चाहिए भजे मैंने भज, भजना मैंने संगत करना ऐसे विद्वानों की संगत करना तो इसमें मेघावी या पंडित किसको कहा है बुद्ध ने यहाँ पंडित किसको कहा है विद्वान है ये ठीक है अब ये ठीक है तो ऐसे पंडित के में रहना है तो यहाँ हमें बुद्ध इशारा करते कल्याण मित्र तो हमें ऐसे समय जब हम भ्रम में रहते हैं संभ्रम में रहते हैं हम, हम कुशंका में फंसे रहते हैं तो ऐसे समय में हमें किसका संगत करना किसका सहारा लेना चाहिए तो कल्याण मित्र इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको यहाँ कल्याण मित्र की आवश्यकता है और वो आपका कल्याण मित्र है जो आपको बता रहा है आपकी गलतियां बता रहा है आपकी चुग बता रहा है तो कल्याण मित्र है आपका उसका पुण्य करिए और इसीलिए वो अगर वो कहता है और वो रास्ता बताएगा आपको उसका पुण्य करिए और वो आपको सही रास्ते में ला जाएगा आपको कर्म कांड से बाहर निकालेगा लेकिन हम कल्याण मित्र क्या है ये नहीं समझ सकते अगर हमने किसी दिया तो वो हमारा दुश्मन समझ जाते हम अरे वो तो हमारा दुश्मन है वो तो हमारी गलतियां निकालता है हमें बताता है ऐसा करो वैसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा मत करो तो इस प्रकार हम उसकी तोहिन करते हैं, हम अपमान करते हैं तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि नहीं और इसीलिए वो हमें जानकारी देता है धीरे धीरे पंडित अर्थात विद्वान या अपना कल्याण मित्र कि ये पंचस्कंद क्या है इसके ऊपर हम इशारा करके बताते और फिर मित्र कहता है कि मित्र हमें पंचस्कंद को समझना चाहिए और फिर क्या कहते कि तादिसंग भज मानस्यो तादिसंग भज मानसो होती न पापियो जब आप उस कल्याण मित्र को स्वीकार करेंगे जब आप उस पंडित की या जो भज मानस जो जिसने जो मनुष्य है जो आपको बताने आया है आपको बता रहा है तो आप उसके अगर बात को मानेंगे का पुण्यधन करेंगे उसको आप कल्याण मित्रता के लिए याचना करेंगे तो फिर आपको वो आपके राह राह पर बुद्ध धम्म धम्म जो धंव बताया है उस ले जाएगा और फिर आपसे जो होने वाला पाप है वो पाप नहीं होगा क्या करें? कहते है? जो होने वाला पाप है वो आपसे पाप नहीं होगा अर्थात अकुशल से आप दूर जाओगे कुशलता ओर आओगे वो तीन पापियों का क्या कहे भजमान से सेयो, सेयो मन श्रेष्ठ ऐसे आदमी के साथ रहना श्रेष्ठ है और तब आपसे जो पाप होने वाला है होती न पापियो हो। अर्थात आपसे जो पाप होने वाला था वो पाप नहीं होगा आपसे जो अकुशल जो आप गलत रास्ते चल रहे थे वो गलत रास्ते से नहीं जा पाओगे और इसीलिए ऐसे कल्याण मित्र की आवश्यकता है तो कल्याण मित्र आपको रास्ते में लाता है और इसलिए हमें देखना है कि वो जो दृष्टि है जो हमें शुद्ध करने के लिए हमारी दृष्टि शुद्ध करने के लिए हमें पंचस्क को जानना पड़ेगा और पंचस्क हम थोड़े में देखने का प्रयत्न करें तो पंचस्क अर्थात नाम रूप किसको कहते नाम रूप ये शब्द दो शब्दों से बना हुआ है नाम और रूप तो नाम में आता है इसी को हम अपने बौद्ध धर्म के शब्द में पाली भाषा में कहते हैं स्कंध ये पांच पुंज है और इस पांच पुंज से हमारे संपूर्ण शरीर बना हुआ है जो हम मैं बैठा हूं आप बैठे हैं जो भी वस्तु है जितनी भी वस्तु है यहां, जो बनी है, वो से बनी है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि की के अलग से कोई बनी है तो इस इस शरीर को हम पंचस्क कहते थे हम अपना शरीर देखे तो इस इसको मैं, हम कहते रूप अर्थात ये रूप है और इसको ये पहला स्कंद है पहला पुंज है और दूसरा जो नाम है नाम अर्थात ये चार घटक से नाम बना है जिसको हम अपना मन कहते हैं तो चार घटक कौन सा है वेदना संज्ञा संज्ञा कहते हैं इसको या मराठी में संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा और तीसरा है संस्कार और चौथा है विज्ञान इस प्रकार संस्कार को चेतना भी कहा जाता है और इसी प्रकार संज्ञा वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये मन के चार घटक है और इसको नाम कहा गया है और रूप अर्थात ये जो शरीर बना है ये रूप और ये शरीर के भीतरी जो ये नाम है अर्थात मन जिसको कहते ये चार घटक से बना है और ये चार घटक और रूप ये पांचवा घटक इस प्रकार ये पंचस्कंद इसलिए इसको कहते हैं रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये पाँच जो है पुंज है और ये ही पंचस्कंध कहलाते हैं। और इस पंचस्क को ही ये शरीर हमारा बना हुआ है इस पंचस्क का बहुत बड़ा रोल है और इसको समझना जरूरी है तो ये जो रूप बना है चार घटकों से बना हुआ है और चार घटक अर्थात हम कई बार पढ़े हैं हम कई बार जाने हैं इसको ये चार घटक अर्थात आप तेज वायु ये चार घटक मिलकर ये रूप बना है और इसीलिए इसको हम रूप कहते हैं तो हर वस्तु देखिए हमारा शरीर तो है ही है कोई भी वस्तु जब बनी है जैसा कि अब समझो कि ये मोबाइल है और ये मोबाइल मैं ये मोबाइल में अभी जो देख रहा हूं आपको और मैं जो बोल रहा हूँ ये मोबाइल ये रूप है आप देखिए ये रूप है अर्थात ये चार घटक से बना हुआ इसमें चार घटक अर्थात पृथ्वी आप तेज वायु ये चार घटक से मोबाइल बन तो इसमें जो पृथ्वी जो धातु है जिसको महाभूत कहते हैं तो ये पृथ्वी अर्थात ये मोबाइल है तो ये मोबाइल तो का आकार देखते हैं हम इसमें तो ये जब मोबाइल है ये रूप है और ये जोड़ने का काम करता है पृथ्वी जोड़ने का काम करती है और इसमें जो जो भी जोड़ है इसमें इसके जितने भी पार्ट है वो रूप है और ये जोड़कर एक अपने सामने एक आकार से हो गया है इसका आकार हो गया और इसको फिर हमने नाम संज्ञा इनको पहचान दी है कि ये मोबाइल है आज से 20 साल या आज से 50 साल पहले अगर देखे तो ये मोबाइल की हमें जानकारी भी नहीं थी संज्ञा नहीं थी उस समय हाँ इसके जानते नहीं थे लेकिन जब आप हम अभी इनको जानने लगे तो ये रूप है तो इस प्रकार हम इनका आकार समझते ये आकार इतना चौकोना है और ये इस प्रकार का बना हुआ है तो ये हम उसको नाम देते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं, और इसमें भी विज्ञान कार्य करता है वो आकलन करता है आकलन करता है तो वो काला है वो काला है और ये इस कंपनी का है वो उस कंपनी का है तो ये विज्ञान क्या कहता है उसको कंपनी पहचान के बाद में वो आकलन करता है कि ये किस प्रकार का है तो विज्ञान इसमें कार्य करता है और इस प्रकार हम पृथ्वी धातु जोड़ने का काम करती है इस प्रकार ये पृथ्वी से जल धातु जो है जल धातु है इसमें जो जो भी प्रवाह है इसमें जो प्रवाह बहते जा रहा है उसको हम जल धातु कहते हैं इसमें प्रवाहित होती है और अग्नि धातु जो तेज धातु है वो उसमें ऊर्जा निर्माण करती है जो प्रवाह निर्माण करती है उसमें ऊर्जा निर्माण करती है उसको अग्नि धातु कहते हैं और वायु जैसा वाइब्रेशन आदि होता है इसमें तरंग होती है, है इस प्रकार ये मोबाइल चारों महाभूत से कार्य करता है ये कैसे कंपनी से बना है किस आकार का बना है विज्ञान आकलन करता है और नाम देता है उसको संज्ञा देता है कि ये मोबाइल है विज्ञान तय करता है और फिर विज्ञान यहाँ भेद करता है आकलन करता है कि यह, नहीं है, यह, है, यह अच्छा नहीं है ये काला है ये अच्छा नहीं है लेकिन संज्ञा क्या कहती है प्रक्रिया संज्ञा पूरी प्रक्रिया है क्या कहती है संज्ञा कि वो बात करना मैसेज लाना मैसेज डालना ये जो कार्य करता है संज्ञा के प्रक्रिया में आता है सब लेकिन विज्ञान यहाँ क्या कहता है भेद करता है कि अच्छा नहीं विज्ञान ने भेद करते काला है या लाल है या इस कंपनी का यह कंपनी ठीक नहीं तो विज्ञान यहाँ क्या करता है भेद करता है और जैसे ही विज्ञान भेद करता है ठीक नहीं तो वहाँ वेदना निर्माण होती है और वो भावना निर्माण होती है और भावना अर्थात वेदना निर्माण होती है और वो वेदना फिर तीन प्रकार में से कोई ना कोई प्रकार में चली जाती है तो कभी सुख की वेदना होती है अगर विज्ञान ने कहा कि ये ठीक नहीं तो वेदना तुरंत दुख की वेदना निर्माण होती है और जैसी की निर्माण होती है तो हम उसको अपने दूर कर देते हैं ऐसा दूर करते थे ये अपने काम का नहीं तो काम का नहीं ये जो है यह है संस्कार यह है चेतना और चेतना है ऐसे संस्कार हो गया तो वही वह चेतना जिसको हम कहते हैं तो उसके बाद में हम याकशन करते हैं करतेक्षण अर्थात हमारी कृति और ये कृति हम करते हैं और फिर ये कृति से ही हम तो अगर हमें अच्छा लगा तो हम अच्छी कृति करते हैं और बुरा लगा अच्छा नहीं लगा तो गलत कृति करते हैं यानी उसको नफरत करते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं या हमारे मन से निकाल देते हैं तो इस प्रकार ये पांचों या काम करते हैं तो इसलिए ये जो रूप जो है ये रूप आ, उसके बाद में वेदना संज्ञा संस्कार ये पांचों एक साथ कार्य करते हैं ये कोई कोई ऐसा मत समझे कि उसमें वेदना लिखा है तो वेदना पहले काम करती है फिर संज्ञा काम करती है ऐसा नहीं है ये पांचों जैसे कि हम आप समझा पांचों कैसे काम करते जैसे कि हम मैं इस कमरे में पहले मैंने अलग अलग इधर उधर मुझे दिखाई दी इधर उधर साफ किया टेबल लाया चेयर लाया हूँ और इसमें ये जो स्टैंड पर मोबाइल रखा हूँ इस प्रकार के सारी गतिविधियां मैंने एक साथ आने के बाद में कौन सी गति कौन सी की है पहले बता नहीं सकते तो पहले लाइट जलाया अर्थात लाइट जलाकर ये जो हमारे अंदर यहाँ की चीजें दिखाई दी इस प्रकार ये पंचस्क कार्य करते हैं हमारे अंदर तो इसीलिए आकलन करता है जैसा समझे कि एक आदि अब उदाहरण के लिए स्त्री है अगर स्त्री अगर हमने आदि औरत को देखा अब देखिए औरत को किसने देखा आंख ने देखा जैसे आंख ने देखा दिमाग में घंटी बच हाँ दिमाग ने उसको दिमाग मैंने विज्ञान ने क्या किया या, या भेद करना शुरू किया आकलन करना किया क्या किया उसने स्त्री देखी तो उसने भेद किया क्या भेद किया उसने ये माँ है यह पड़ोसन है ये अमुक है ये काली है ये गोरी है ये किसने किया ये विज्ञान ने और जैसे ही विज्ञान ने उसने, उसने आ, उसका आकलन किया उसका भेद किया तो फट फट के साथ उसके पीछे वेदना आ गई और वेदना फिर अगर माँ है तो सुखद वेदना है बहन है तो सुखद वेदना है पड़ोसन है तो दूसरी वेदना हो जाती है आ, और फिर कोई अगर तो, कोई अगर पहचान की नहीं तो अलग वेदना होती है तो कभी यहाँ दुखद वेदना हो सकती है या कभी आकर्षण की वेदना हो सकती है और ये वेदना के बाद में नाम देते है वो कि ये नाम दे संज्ञा दिया विज्ञान ने भेद किया विज्ञान कहता है कि ये माँ है तो ये संज्ञा दे दी उसने संज्ञा दी जैसी संज्ञा दी माँ है तो हमारी वेदना जो हुई तो वेदना सुखद वेदना हो सकती है या माँ देखने के बाद या पड़ोसन देखने के बाद या मित्र देखने के बाद या और अनोखी जो अनजान है तो उसके बारे में अगर अनजान है तो हमारी कौन सी वेदना होती वो भी हम वहाँ वेदना निर्भर करती है और उसके बाद में उसके बाद में हम क्या कहते हैं संस्कार हमारे कारण करते पुराने संस्कार करते कि अमुख अमुख है ऐसा करना चाहिए तो वहाँ हम क्या कहते हैं संस्कार मन हम आदत में चले जाते और फिर वहाँ रियाक्शन करते माँ है तो कौन सी एक्शन करते फटाफट फटा सात ये एक साथ काम में करना शुरू कर दे तो माँ रहे बहन रहे भाई रहे कोई भी रहे तो वो जो एक्शन है वो हम एक्शन से ऊपर हमें जिसको हम कहते कृति और इस प्रकार हमारे अंदर ये पंचस्कंद काम करते और फिर यही पंचस्कंद आगे चलकर इतना भेद करता है कि इस के कारण ही हम कलह या झगड़ा वाद में पड़ते है किसी ने अगर देखा किसी के मन में अगर आ गया तो ये शुद्र है अगर शुद्र है तो उसकी एक्शन चालू हो जाती है ब्राह्मण तो है हाँ फिर ये संज्ञा देखिए हमारी कैसे काम करती है विज्ञान कैसा काम करता है पंचस्कंद कैसा काम करता है हमने क्योंकि वो पहले से हमारा संज्ञा यानी पुरानी संज्ञा और वर्तमान संज्ञा ये दो है पहले से हमें संज्ञा अर्थात पहले से मालूम है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्या है कि ये मुसलमान है ये हिंदू है ये ईसाई है ये बौद्ध है तो ये हमें वहाँ विज्ञान भेद कर दिया तो जैसे भेद कर दिया तो वहाँ हमने नाम दिया मुसलमान संज्ञा भी दे दिया और फिर वेदना निर्माण होती है कि इसके साथ कैसा ताल्लुक करना है कैसा सलूक करना है किस प्रकार इसके साथ व्यवहार करना है वो हमारी विज्ञान बतका कर वो हम वहाँ झगड़ा चालू कर देते लड़ाई चालू कर देते और फिर यहाँ कलह निर्माण होता है और यहाँ सही मायने से हमें कल्याण मित्र की आवश्यकता और जब तक हमें कल्याण मित्र नहीं पता चलता यहां, तो तब तक कल्याण मित्र हमें बताएगा कि मनुष्य सर्व मनुष्य समान है ये जो बताने वाला कल्याण मित्र क्या कहते हैं यहाँ तादिश भजमान सहयोग ये अगर है कल्याण मित्र श्रेष्ठ होता है जो आपको आपके बारे में बता देता है कि हम कौन है तो हम कौन है एक मनुष्य है और मनुष्य है समान है यह कोई मुसलमान नहीं है यह कोई हिंदू नहीं है यह कोई सिख नहीं है यह कोई ईसाई नहीं यह कोई बौद्ध नहीं तो ये मनुष्य है और ये कल्याण मित्र जब तक नहीं हमें मिलता तब तक हम ऐसे ही इसमें कला में पढ़ते विवाद में पढ़ते शूद्र शूद्र कहते या कोई अपन घर में कोई पड़ा पड़ोसी है या कोई अपना अनोखी है अनजान है उसके साथ कैसा हम व्यवहार करते हैं पंचस्कंद ही ठहराते और ये पंचस्कंद में जो विज्ञान विज्ञान अर्थात आकलन करता है भेद करता है और यह बता देता है कि यह वेदना इस प्रकार की निर्माण होती है और फिर यह संज्ञा वेदना संस्कार विज्ञान एक साथ कार्य करते हैं और हम इसी के अंतर्गत कार्य में या करतेक्षण करते और अक्सर हमारी कृति कुशल भी हो सकती है और कुशल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है लेकिन अक्सर हम देखते कि हमारी कृति अकुशल के तरफ जाती और इसीलिए हमें कुशल की तरफ जाने के लिए हमारा मन विशुद्ध करने के लिए हमें हमारी दृष्टि विशुद्ध करने के लिए हमारे शंका कुशंका शुद्ध करने के लिए हमें यहाँ कल्याण मित्र की आवश्यकता और कल्याण मित्रता यह बहुत बड़ा रोल यहाँ करता है तो हम बौद्ध अगर है तो हमें बौद्ध को कल्याण मित्र बनाना जरूरी है बाबा साहब एक हमारे बड़े कल्याण मित्र थे बाबा साहब ने यह देखा और उन्होंने शूद्र कौन लिखा बाबा साहब ने देखा और संविधान लिखा बाबा साहब ने देखा और बुद्ध और उनका धम्म लिखा हा? लेकिन हमारे पास में हमारी कृति उसके उसके बारे में हम दूर है हम कर्मकांड में क्यों फंसते हमारी दृष्टि बनी हुई है हमारे पंचस्कंद ने बता दिया है कि ऐसा करना है पहले से हमारे जो हमारी इम्पेक्ट हो गए हमारे अंदर ये जो वेदना संज्ञान संस्कार विज्ञान ये पहले ही ये तय करके रखा है संज्ञा बना के रखिए पिछली संज्ञा बना के रखिए सालों साल की संज्ञा हम तक जाते और फिर वो संज्ञा संज्ञा का संग्या के साथ में वेदना निर्माण होती है और वेदना से हम आदत में चले जाते हैं संस्कार में चले जाते हैं जिसको मनस्कार कहते हैं और मनस्कार दो प्रकार के होते हैं अयोनिसो और योनिसो योनिसो यानी अच्छे अच्छे मनस्कार और अयोनिश तो हम अक्सर अयोनिश यूनिसो मनस्कार की तरफ बढ़ जाते हैं और इस प्रकार हमें हम जो करना है तो हम कर्मकांड की जो बात कल करी किए थे तो हम कर्मकांड में क्यों फंसते कि हमारी पुरानी संज्ञा हमें बताती कि ऐसा करना चाहिए हमारे पूर्वजों से आई है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई है हमारे जो जो भी शास्त्रों में लिखा है ग्रंथों में लिखा है इस प्रकार हम संज्ञा वो संज्ञा कार्य करती है और संज्ञा से हम हमारे इसमें वेदना सुखद या दुखद इसीलिए ये पंच बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना बहुत जरूरी है तो पंच पंचस्क अगर इसको हम समझ गए और उसके ऊपर से हम कृति करते हैं एक्शन करते हैं तो हमें यहाँ एक्शन के लिए पांच बातें ध्यान में रखना है और वो कल्याण मित्र ही बता देता है आपको तो इसीलिए कृति तो कृति माने कर्म और बुद्ध ने कर्म पर ज्यादा जोर दिया है और कर्म बताने के पहले उन्होंने कहा है कि हमारी कैसी होना चाहिए और सबसे पहले बुद्ध ही है कि ने कर्म के बारे में बताया और यह कर्म पंच नियम में आता है पांच नियम होते हैं हाँ ये संसार जो चलता है ईश्वर के भरोसे नहीं चलता है हाँ हम कहते हैं कि ये ईश्वर ने बनाया संसार ऐसे ऐसे हम जो बात कहते हैं तो ये संसार ईश्वर ने नहीं बनाया तो ये पंच नियम के अंतर्गत इसमें सब सारी घटनाएं होती तो पहला है वजू नियम दूसरा है बीज नियम तीसरा है मनोनियम चौथा है कर्म नियम और पांचवा है धम्म नियम इस प्रकार पांचवा जो धर्म नियम है हाँ ये कर्म नियम जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम धर्म नियम की तरफ नहीं जाते और कर्म नियम ही समझाने के लिए कल्याण आवश्यक है तो कल्याण मित्र ये ऐसा अच्छा कहते हैं कि ये आपको आध्यात्मिक आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है आपको पैसा कमाने की तरफ नहीं ले जाता है ये जो कल्याण मित्र होता है है वो आपके आध्यात्मिक विकास आपको बुद्धत्व तक ले जाता है। और कल्याण मित्र ये भी पहले हमारे समान ही होता है लेकिन उसने उसका कोई कल्याण मित्र था और वो कल्याण मित्रता से ये कल्याण मित्रता देता है जैसे सबसे पहले हमारे बुद्ध कल्याण मित्र थे बुद्ध कल्याण मित्र थे उन्होंने पंचवर्ग भिक्षु को हाँ उन्होंने पंचवर्ग भिक्षु को कल्याण मित्रता दी वो प्राप्त किया फिर उस अर्थ से अर्थ से करते 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 तो वो जितने भी बोधिसत्व है उनकी कल्याण मित्रता के आधार पर वो बोधिसत्व बने और फिर उन्होंने अपने अपनी कल्याण मित्रता देते 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 पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता तक कल्याण मित्रता मिली है और पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता के कल्याण मित्र थे उन कल्याण मित्र से कल्याण मित्र थे ऐसा कल्याण मित्र करते करते बुद्ध उनके सबके कल्याण मित्र है और वो परंपरा कल्याण मित्रता की आ रही है इसीलिए धम्म आज भी जागृत है जिस समय कल्याण मित्र का बंद हो गई थी थोड़ा सा आ, आ, थोड़ा सा आ, ये पड़ गया था गायब हो गया था तो कल्याण मित्रता का अभाव के कारण बीच में धम्म नष्ट हुआ था हाँ जो सात सौ आठ सौ वर्ष तक जो धम्म हम आ, देखते नहीं तो वो कल्याण मित्र का अभाव और इसीलिए कल्याण मित्रता बहुत आवश्यक है आज जो ये जो जाला फैला हुआ है, ब्रह्मचारी जो बने हैं ये कल्याण मित्रता के आधार पर कल बताया है तो इसीलिए कल्याण मित्रता आपको आध्यात्मिक विकास के तरफ ले जाती है हाँ कल्याण मित्र आपको आ, दुख से मुक्त करता है क्योंकि वो भी दुख से मुक्त हो जाता है आ, मुक्त करते रहता है इसीलिए वो भी आपको मदद करता है और इसलिए कल्याण मित्र ये हमें यहाँ पंचस्क के बारे में जानकारी देता है और कृति कैसी करना है इसकी जानकारी देता है तो बुद्ध ने अगर हम देखे तो सबसे पहले बुद्ध है जिन्होंने हमें कर्म की तरफ ले गए लेकिन हम इसको कब देखे तो बाबा साहब के ऊपर हम कुशंकित हो जाते जिसको कंख वितरण कहते बाबा साहब के बारे में हम कुशंका करते कि तो बाबा साहब ने धम्म दिया बहुत सारे लोगों के बाबा साहब को बहुत से लोग कहते थे कि बाबा साहब ने अभी क्यों धम्म दे दिया बाबा साहब को तो अभी थोड़ा सा राजनीति करना था हाँ तो ये कुशंका शंका नहीं है शंका अगर करते हैं तो हाँ शंका भी अगर की तो उसका निरसन करना चाहिए अगर हमने शंका का भी निरसन नहीं किया शंका में ही रहे तो शंका भी कुशंका बन जाती है शंका भी हमारा बहुत नाश करती है तो इसीलिए शंका करना जरूरी अच्छी बात है लेकिन शंका का निरसन करना भी उतना ही जरूरी है अगर आपने उस शंका का निरसन नहीं किया अगर उसका कोई आप सोलूशन अगर उसका अपना संदेह जो है वो दूर नहीं किया तो हम संदेह से हम बहुत हमारा नुकसान कर सकते इसलिए संदेह भी ऐसा नहीं है लेकिन इसीलिए इसको कहा शंका कुशंका हाँ, और बाबा साहब के ऊपर हम शंका करते हैं कि बाबा साहब ने ये जो धम्म दे दिया तो कब ध्यान किया ये भी एक कुशंका में जाते हैं क्योंकि हमने देखा नहीं बाबा साहब को ध्यान करते तो उसे लोगों ने पढ़ा भी नहीं है और पढ़े नहीं होने के कारण कोई एक अदा किताब पढ़ भी लिया होगा तो उसको समझ समझ नहीं सके हम पूरी तरह से उनका चिंतन नहीं किया कोई भी बात अगर चिंतन करते हैं, तो हमें चिंतन से सॉल्यूशन मिलता है लेकिन हम ऊपरी तौर पे पढ़ते और फिर कहते बाबा साहब ने कम कब ध्यान किया था तो बाबा साहब ने ध्यान किया कि नहीं किया उसका आपको प्रूफ चाहिए और प्रूफ चाहने के लिए फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर हम हम तो कुशंका में रहते हैं और दूसरों को भी बरगलाते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है कभी कभी वो ओम मणि पद में हम शब्द आता है इसके बारे में बहुत लोगों को शंका थी कुशंका थी अरे ये कहाँ का कौन से धर्म का लाया यहाँ बाबा साहब ने कब कहा है इस प्रकार के हमारे मन में कुशंका आती है और फिर हमारे मन में तो हमने कभी पढ़े नहीं होते और फिर हम उसमें कुशंका मिलता और कुछ शंका में जाते हैं उसमें कल होता रहत। है निर्माण अरे हट तुम कहाँ से विदेशी शब्द लाए कहाँ से लेके आए हो आ? तुझे भंते जबते रक्षित के बारे में भी कुछ शंका में है लोग लो अभी भी कुछ कुछ हो सकते हैं क्योंकि पहले तो बहुत हमें इसका सामना करना पड़ा जब हम शुरू शुरू में इस संग के में आ गए और संघ में संक संपर्क में रहे तो हमें बहुत लोगों का सामना करना पड़ा अरे कहाँ से विदेशी आदमी के साथ जुड़ गए तुम बाबा साहब ने धम्मत दे दिया और आप विदेशी के साथ जुड़े कोई जासूस होगा कोई कुछ होगा इस प्रकार की हमारी कुशंका हमने निर्माण की थी लेकिन हमने उनका जाना नहीं कि उनका क्या है क्या है बाबा साहब और बुद्ध भंते जी क्या है इनका क्या रिश्ता है क्या संबंध है हा? तो इस प्रकार हम कुशंका में बहुत बहुत जाते हैं और इसीलिए शंका निशरण करने के लिए हमें देखना है तो बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म ही अगर हम पढ़े और चिंतन करें पढ़ना नहीं मैं तो कई बार पढ़ा हूं उसको लेकिन अभी भी ऐसा लगता कि मैं बहुत सारी बातें उसमें की नहीं समझा ऐसा आपका भी हो सकता है लेकिन एक बार पढ़ने से दो बार पढ़ने से भी तीन बार पढ़ने से भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरी परिपूर्ण पढ़ा हूँ बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म नहीं हमें बहुत कुछ उसमें चिंतन करने पर पता चलता है कि बाप रे क्या बाबा साहब है बाबा साहब ने इतने सारे ग्रंथ लिखे कितने सारे ग्रंथ लिखे हाँ और कितना आ, इतना साहित्य हमारे पास में बाबा साहब का उसमें शूद्र कौन ये भी एक ग्रंथ है उनका आ, वो लीडर्स लिख बाबा साहब का लीडर्स अगर देखे हमने तो हमें पता चलता कि बाबा साहब कितने कितने महान कितने बुद्धिमान थे बाबा साहब को पाली सीखने के लिए मना थी लेकिन बाबा साहब ने पाली संस्कृत पर उसमें अपना कब्जा जमा दिया था हाँ इतनी सारी भाषाएं थी भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं कि बाबा साहब को अवगत नहीं थी सारी भाषाओं के ज्ञाता थे आ, और इस प्रकार उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे उसमें बुद्ध और उनका धम्म भी ग्रंथ लिखा और उसमें अगर हम चिंतन से पढ़ते हैं तो हमें कुशंका हमारी जो निर्माण होती है हमारे अंदर वो बाहर हो जाती है क्योंकि बुद्ध और उनका धम्म अगर पढ़ेंगे आप चिंतन करेंगे तो मैं आपको इशारा करता हूं कि धम्म अधर्म धम्म माने क्या अधर्म माने क्या और, और सदधम माने क्या ये बहुत ही जबरदस्त लिखा है बाबा साहब ने ये तीनों अगर बातों को आप यहाँ पढ़ेंगे चिंतन करेंगे तो बाबा साहब ने ध्यान किया है ये आपको पता चलेगा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही बाबा बाबा ने क्या कहा उसमें कि अगर सद्गम माने क्या इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि हमारी जो अकुशल प्रवृत्तियां अकुशल संस्कार उसको शुभ संस्कार के करने के लिए निर्माण करने के लिए शुभ संस्कार शुभ प्रवृत्तियां निर्माण करने के लिए हमारे अंदर ये यह शुभ संस्कार निर्माण करने के लिए अगर किसी ने कहा है तो बुद्ध ने कहा और बुद्ध ने इसको सबसे पहले प्रथम ध्यान साधना को स्थान दिया है ऐसा बुद्ध वु। बाबा साहब उसमें कहते हैं कि बुद्ध ने अगर हमारी प्रवृत्तियां शुभ प्रवृत्तियां करने के लिए शुभ संस्कार बनाने के लिए अगर सबसे पहले अगर बुद्ध ने क्या कार्य किया है सबसे पहले प्रथम स्थान अगर दिया है तो ध्यान साधना को दिया और ये ध्यान साधना को स्थान दिया अर्थात ये लिखना बाबा साहब ने लिखना ये कोई बिना चिंतन से बिना ध्यान से होता है क्या हा? हमारे संस्कार कैसे है हमने कल देखे हमारे संस्कार कैसे है हम किधर गए है आज भी वो कहते हैं ना कि बुद्ध का धम्म दिया लेकिन हम बुद्ध के धम्म के तरफ गए है क्या मैंने कल कहा है बुद्ध बनकर भी हम कहाँ फंसे हुए है है ना कहते हैं ना कि फूल कहता है कि चमन बदल गया और पंछी कहता है कि गगन बदल गया क्या कहते हैं फूल कहता है कि चमन बदल गया है और पंछी कहता है कि गगन बदल गया है मगर आज भी स्मशान घाट की सामोशी खामोशी कहती है आज भी स्मशान घाट की खामोशी कहती है लाश वही है मात्र कफन बदल गया है कफन बदल गए तो इस प्रकार हमने अगर बुद्ध धर्म ले लिया है सन छप्पन से ले लिया है या अभी भी लेते हैं बौद्ध कहते हैं ट्रेडिशनल बौद्ध जो भी है लेकिन अभी भी हम कौन से विचारधारा में क्या किया हम आज भी हम कर्म कांड में फंसे हुए हैं क्यों फंसे हुए क्यों क्योंकि हमें बुद्ध धर्म समझ, समझ में ही नहीं आया बुद्ध समझ में ही नहीं आया धर्म समझ में ही नहीं आया संघ समझ में ही नहीं आया इसीलिए हम कहते तो है बुद्धंग सरण तमंग सरनंग अच्छा में लेकिन लेकिन आज भी हम कर्म कांड के अधीन है कि मिथ्या दृष्टि में फसे हुए है हमारी दृष्टियों में कहीं ना कहीं फंसे हुए है तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है अफसोस मुझे इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है अफसोस इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा परमकांड से गंधा हो रहा है पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा आज का पढ़ा लिखा भी अगर देखे चाहे कलेक्टर हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी हो लेकिन वो अगर है तो सर्वधर्म संभाव में जाता है सर्व सर्वधर्म संभाव बुद्ध को भी उस सर्व सर्वधर्म संभाव में सम्मिलित कर लेता है बुद्ध का धर्म अनिश्वरवादी एक तरफ और सारे धर्म ईश्वरवादी और फिर संभाव कैसा हो सकता है हो सकता है कभी हमने इसमें चिंतन करे तो संभव हो सकता है कि अधर्म सारे अनिश्वर सारे ईश्वरवादी धर्म है जितने भी पंथ जितने भी है तो हम देखे तो ईश्वर के तरफ ले जाने वाले आत्मा के तरफ ले जाने वाले बुद्ध का ये ऐसा एक धर्म है, ये, ये है अनात्मवादी है लेकिन उसके साथ में जाकर हम अनात्मवाद को छोड़कर आत्मवादी बन जाते और हम कहते हैं नहीं नहीं सर्वधर्म समान है, और एक है। आ, बुद्ध भी एक मालिक है एक ईश्वर है देव है उनके देव है हमारा बुद्ध देव है इस प्रकार के हम पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुनते हैं ऐसा नहीं लगता कि आप आ, गोबर में मिठाई अगर गोबर में मिठाई मिलाकर अगर दी तो खाने के लायक होती है क्या तो गोबर में मिठाई अगर दी तो वो खाने के लायक नहीं बुद्ध का धम्म आ, मिठाई की तरह है और वो मिठाई गोबर में मिलाकर दे तो बुद्ध धम्म होगा क्या फिर वो इस प्रकार हमें देखना चाहिए हम कहाँ है और इसीलिए हमें ये जो कृति हमने यहाँ कहा है कि बुद्ध धर्म के तरफ जाने के लिए कर्म कांड से दूर कृति हमारी कैसी होनी चाहिए तो यहाँ कल्याण मित्रता की आवश्यकता है है और और कल्याण मित्र ही हमें करने के कहता इसलिए बुद्ध ने उस समय मशकत की थी बहुत मश्कत की थी कि कर्म सिद्धांत ये आजकल कर्म सिद्धांत भी अगर हम कहते हैं तो बुद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत और अन्य धर्मों के साथ मिला देखते गोबर में मिठाई मिलाई का समान काम करते इसीलिए बुद्ध ने पांचवा जो उनका बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद पांचवा सप्ताह उन्होंने एक अजपाल वृक्ष के नीचे बैठने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने सात सप्ताह तक बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उसका आनंद लिया फोर्टी नाइन दिन उनचास दिन तक उन्होंने इस बुद्धत्व का आनंद लिया और एक एक सप्ताह एक एक वृक्ष के नीचे बैठे और वहां चिंतन किया एक एक बात पर चिंतन और वैसे ही पांचवें सप्ताह में अजयपाल वृक्ष के नीचे वो बैठ रहे थे बुद्ध गया में अगर आप जाएंगे तो सामने एक बहुत बड़ा एक, आ, ये स्तंभ टाइप का है उसमें लिखा है तो वहां आप देखेंगे तो वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे और जैसे बैठ रहे थे तो एक ब्राह्मण आ गया और वो ब्राह्मण आकर बुद्ध को कहता है कि तुम कौन हो देखिए पहला ब्राह्मण है ये और बुद्ध का पांचवा सप्ताह था बुद्धत्व प्राप्ति का वो ब्राह्मण आकर कहता कि तुम कौन हो तो बुद्ध कहते मैं बुद्ध हूँ और बुद्ध हूँ बोला है तो उसने पूछना चाहिए कि बुद्ध क्या है अगर उनको पता नहीं होगा या पता होगा तो उन्होंने ब्राह्मण ने पूछना चाहिए तो ब्राह्मण क्या कहता है उन्होंने पूछा नहीं तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं भगवान बुद्ध ने कहा बुद्ध हूँ तो उसने क्या उत्तर दिया मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ मेरा पंचस्कृषि में धाक है मैं वेद का ज्ञाता शास्त्र का ज्ञाता हूँ पुराण का ज्ञाता हूँ लोग मुझे पूजा मुझे पाठ करने के लिए बुलाते इस प्रकार का ब्राह्मण अपना वहां बखान कर रहा बुद्ध ने पूछा ही नहीं उसको बुद्ध ने तो कहा कि मैं बुद्ध हूँ उसने बुद्ध बुद्धि क्या ये नहीं पूछा तो उसने क्या कहा अपना बताना शुरू किया और इससे अंदाजा लगा सकते आप आ, मुझे एक जो बहुत ही मुझे ये गाथा एक बहुत ही अच्छा आ, मैं जब सातवीं में था तब से मुझे की ये श्लोक याद है और मुझे बड़ी हंस आती है और मैं हमेशा जब भी मेरा प्रवचन कहीं होता है तो कई बात अगर आ जाती तो मैं ये बात बता देता हूँ ये श्लोक बड़ा मुझे प्यारा लगता है क्या कहते हैं यहाँ अः ये श्लोक क्या कहता है बड़ा अच्छा है ये आप अः आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि देवाधीनम जगत सर्वा ब्राह्मण क्या कहता है ब्राह्मण क्या कहता है देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीन सी दैवतंग मंत्रा ब्राह्मणाधीन ब्राह्मण अर्थात क्या कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वा अर्थात देवाधीन देव अर्थात ईश्वर के अधीन ये सारा संसार है देवाधीनम जगत सर्वा अर्थात ये जो संसार है ये ईश्वर के अधीन है ईश्वर का गुलाम है और फिर क्या कहते हैं मंत्राधीन सी दैवतंग लेकिन वो ईश्वर मंत्रों के अधीन है मंत्रों का गुलाम है कौन ईश्वर मंत्रों का गुलाम है मंत्रों के अधीन ईश्वर है यह संसार ईश्वर के अधीन है और ईश्वर मंत्रों के अधीन है ते मंत्र आ ब्राह्मणा अधीन और ये मंत्र जो है ये मंत्र ब्राह्मणों के गुलाम है ब्राह्मणों के अधीन है ब्राह्मण कहता है मंत्र को ब्राह्मण के अधीन मंत्र है सो ब्राह्मण मैवतन इसलिए ब्राह्मण ही आपका दैवत है ब्राह्मण ही आपका देव है ब्राह्मण ही आपका सब कुछ है इसलिए ब्राह्मण जो कहता है उसकी बात मान बाकी सब बेकार है ईश्वर भी अर्थात ईश्वर भी किसके हाथ में है किसके अधीन है तो ब्राह्मणों के अधीन क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के अधीन है और मंत्रों के अधीन ईश्वर है और ईश्वर के अधीन जगत है संसार है अर्थात हम जो है जनता संसार ये ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के अधीन है अर्थात ब्राह्मण ही हमारे से सबको श्रेष्ठ है पढ़ा देखिए कितना अच्छा हमने श्लोक लिख कर रखे इन्होंने कितना लोगों को आ, लोगों को कैसा अपने तरफ आकर्षित किया ब्राह्मणों ने इससे हमें पता चलता है और इसलिए ब्राह्मण या बुद्ध को क्या कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ मैं वेद का ज्ञाता हूँ मैं पुराण सब कुछ मेरे मेरे अंडर है मैं इस पंचक्रोशी के मेरा धाक है मैं यहाँ हुम हुम मेरे सब बात हुम 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 ऐसा हूं 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 मैं हूं मैं हूं मैं हूं हूं कहता है वो क्या तो एक प्रकार की हु, अच्छा है वो. तो इसी प्रकार के क्या है कि ब्राह्मण अपना बखान कर रहा है और फिर बुद्ध कहते हैं कि ये ब्राह्मण अब उनको बोला ब्राह्मण क्योंकि उन्होंने उन ब्राह्मण कहा ना तो ब्राह्मण के लिए फिर बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण और तब ब्राह्मण अवाक हो गया कि मुझे ब्राह्मण कहा है ब्राह्मण क्या कहता है फिर कहते न जच्चा वो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों क्या कहते बुद्ध उनको न जच्चा वो होती अर्थात जच्चा माने जन्म जन्म से कोई भी शुद्र नहीं होता नीच नहीं होता और जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता क्या ऊंच नहीं बोला बुद्ध ने क्या कहा ब्राह्मण क्यों कहा ब्राह्मण ये ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकार का वो बखान कर रहे थे इसीलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि उच्च होता है क्या कहा ब्राह्मण होता है ब्राह्मण कैसा होता है क्या कहते न जच्चा होती ब्राह्मणों अर्थात जन्म से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता जो तुम कह रहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो जन्म से कोई नीच नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता तो कैसा होता है कमुन्ना होती कमुन्ना वो होती कमुन्ना होती ब्राह्मण तो कर्म अगर अच्छे है तो ब्राह्मण होता है और कर्म अगर अच्छे नहीं है अकुशल है तो नीच होता है तो कर्म आपका क्या करता है निर्णय करता है और ये पहले बुद्ध है विश्व के जिन्होंने ईश्वर को विदा करके ईश्वर के जग में कर्म को स्थापित किया है कृति को स्थापित किया कृति और इसीलिए यही कल्याण मित्र आपको बताता है कि कृति आपकी कृति के ऊपर आप निर्भर होते हैं और आप अगर कृति अगर अच्छा करते हैं तो निश्चित ही आप आपने कुशंका से बाहर हो जाते हैं कृति आपको सिखाएगी कृति अगर आपको यहाँ कोई ईश्वरवाद नहीं है कोई आत्मवाद नहीं आपकी कृति है तो पंचस्क से देखने के लिए कहते हैं कि पंचस्क ये जो रूप है चार धातु से बना हुआ है पृथ्वी जल वायु और तेज से तो इसी प्रकार इसमें जो मन है चार घटक से बना है उनसे वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान और ये विज्ञान विज्ञानी फाड़नी करता है विभाजन करता है और ये भेद करता है आकलन करता है और पहचान देता है इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं चिरफाड़ करके अगर डॉक्टर देखे तो इसमें डॉक्टर को इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं मिलेगी हा? इसमें जो जो भी है इस शरीर में जो जो शरीर बना है उसमें अलग अलग अगर एक एक भाग अगर देखा तो उसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं दिखाई देती और इसीलिए इसको को आपको कल्याण मित्र पहचान करा देता है और इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि बुद्ध ने कर्म कर्म को ज्यादा जोर दिया और जब कर्म समझ जाते हम तो हमारे अंदर का जो कर्म कांड जैसा हमारा जो दृष्टिकोण है वो अशुद्ध दृष्टिकोण शुद्ध होना शुरू हो जाता है जो हमारे मन में कुशंका है शंका है कुशंका है ये कुशंका है वो क्या हो जाती है दूर होना शुरू हो जाती और कुशंका से हम दूर हो जाते क्योंकि कर्म को ज्यादा महत्व दिया है और इसीलिए यहाँ कहा है कमुना कमुना क्या होते कमुना वसलो होती कर्म से तुम नीच होते हो अगर कर्म अच्छे नहीं रहे तो नीच और कर्म अगर अच्छे है तो ब्राह्मण होते हो अर्थात उच्च होते हो इस प्रकार ईश्वर को विदा करके ये जो हमारे भीतर ईश्वर बैठा है इसको विदा करके बुद्ध ने मनुष्य केंद्रित धर्म किया है मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया और मनुष्य को कहा अतः नाथ नाथो कोई नाथो परोसिया कोई तुम्हारा दूसरा मालिक स्वामी नहीं है स्वयं अत्ता ही माने स्वयं स्वयं खुद को ही खुद के तुम मालिक हो खुद के तुम खुद ही मालिक हो कोई तुम्हारा दूसरा मालिक नहीं कोई तुम्हारा दूसरा स्वामी नहीं है तो इसीलिए बुद्ध ने ये कर्म सिद्धांत को बताया तो हमें कर्म सिद्धांत समझना पड़ेगा और जब तक हम कर्म सिद्धांत नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तो हम कर्म को अगर समझ गए और कर्म कर्म जो होते हैं तो कर्म के लिए बाबा साहब ने चार मुद्दों में रखा है बाबा साहब ने भी रखा है और कर्म के चार मुद्दे अगर हमें पता चले तो हम निश्चित हमारे अंदर की जो कुशंका है जिसके बारे में हम कुशंकित होते हैं हमारा जीवन सारा कुशंका में चलता है कि किसने ध्यान किया कौन ध्यान से क्या होता है ध्यान से क्या होता है आ, ये संगरक्षित बाहर से आते हैं ये जो कुशंका है ये कुशंका दूर निकलने के लिए हमारी कृति कर्म माने क्या इस सिद्धांत को समझना जरूरी है और इसलिए ये चार मुद्दों में जो बाबा साहब ने चार मुद्दे रखे बाबा साहब ने जो चार मुद्दे बुद्ध और उनके धम्म में रखे उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लेकिन चिंतन करना पड़ेगा चिंतन करेंगे तभी हमें बाबा साहब समझ में आएगी कि, कि बाबा साहब ने ध्यान किया था कि नहीं किया मन पर इतनी सुंदर परिभाषा की बाबा साहब ने क्या कहते हैं सदम्भ में सदम्भ में क्या कहते हैं कि अपने मन को निर्मल बनाने के लिए अपने शुभ संस्कार के लिए प्रथम स्थान ध्यान को दिया और दूसरा स्थान दो बातों में दूसरी जो बात कही बाबा साहब ने उसमें और दूसरी बात है कि आचरण को महत्व दिया और आचरण के लिए इतना कहा बाबा साहब ने उसमें कि अपने मन को निर्मल बनाने के लिए इतना साहस हम होना चाहिए कि दूसरा हमारे साथ आए ना आए मगर मैं इस राह से विचलित नहीं होऊंगा इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं कितना महत्व देते हैं अपने आप को शरण गमन जिसको कहते हम बुद्धदम्म में जो पूज्य भंते उरगेन संघरक्षिता इन्होंने हमें शरण गमन जो बताया तो पहला स्थान पर ध्यान और दूसरे दूसरा जो कहा है कि ध्यान के लिए शरण गमन शरण गमन अर्थात दूसरा हमारे साथ आए ना आए मैं शरण गमन करूंगा अर्थात दूसरे चोरी करे ना करे मगर मैं चोरी नहीं करूंगा दूसरे हिंसा करे या ना करे मगर मैं हिंसा नहीं करूंगा दूसरे वे विचार करे या ना करे मैं वे विचार नहीं करूंगा दूसरे झूठ बोले या ना बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा दूसरे कठोर बोले या ना बोले मैं कठोर नहीं बोलूंगा दूसरे चुगली करे ना करे मैं चुगली नहीं करूंगा दूसरे बकवास करे या ना करे मगर मैं बकवास बहस नहीं करूंगा दूसरे मिथ्या दृष्टि वाले हो मिथ्या संकल्प वाले हो मिथ्या वाणी वाले हो मिथ्या कर्म वाले हो मिथ्या स्मृति वाले हो मिथ्या समाधि वाले हो मगर मैं मैं सम्यक दृष्टि प्राप्त मैं सम्यक संकल्प प्राप्त करूंगा मैं सम्यक वाणी प्राप्त करूंगा मैं सम्यक कर्म प्राप्त करूंगा मैं सम्यक आजीव प्राप्त करूंगा मैं सम्यक व्यायाम प्राप्त करूंगा मैं सम्यक स्मृति प्राप्त करूंगा मैं सम्यक दृष्टि प्राप्त करूंगा इस प्रकार की शिक्षा बुद्ध और उनके धम्म में सदम्भ माने क्या इसमें बुद्ध बाबा साहब बुद्ध की शिक्षा को कहते हैं कि दूसरे आए ना आए लेकिन मैं मेरे में इतना साहस होना चाहिए कि मैं शरण गमन से बाहर नहीं जाऊंगा मैं शरण गमन करूंगा मैं ढाला आचरण नहीं करूंगा इसमें ढोंगी सोंगी ढोंगी जो भी है वो लेकिन मैं सोंगी नहीं बनूंगा मैं ढोंगी नहीं बनूंगा मैं कठोर कठुतापूर्ण वचन नहीं बोलूंगा मैं मधुर बोलूंगा मधुर वचन बोलूंगा इस प्रकार की वो बाबा साहब उसमें नमूद करते हैं और ये बातें कहाँ से आई है ये बातें कहाँ से आई है ये बातें बाबा साहब के ध्यान से आई है तो क्योंकि बाबा साहब को ध्यान करते आपने हमने नहीं देखा लेकिन ये जो लिखान बताता है कि बाबा साहब ने ध्यान किया है अठारह अठारह घंटे बैठना मामूली बात नहीं है ध्यान के बगैर बैठ नहीं सकता अनागरिक धर्म पाल आठ आठ घंटे ध्यान में बैठा कर और इसीलिए इतना कार्य कर बाबा साहब भी अठारह अठारह घंटे पढ़ाई करते थे इसलिए उनका सब नित्य नियम चालू था ध्यान से शुरू होता था नानक चंद्र तू ने उनके बारे में बताया जीवनी इसलिए हम पढ़ते नहीं है और पढ़ते नहीं है और हम उनके ऊपर शंका कुशंका तो इसलिए हमें कुशंका से बाहर निकलने के लिए पंचस्कंद को समझना पड़ेगा यह सब पंचस्कंद का खेल है पंचस्कंद हमें कृति क्या कर हमें कहाँ करता है विज्ञान भेद करता है हमें कहाँ जाना है और इसको जब हम पकड़ते ध्यान के द्वारा और ध्यान दृष्टि को भी और कुशंका को भी दूर करता है और इसलिए ऐसा कहते हैं कि ध्यान बुद्ध के आने से आनापान सती जैसे ध्यान का विकास हुआ है बुद्ध के आने से ही बुद्ध के आने से ही आनापान सती जैसे ध्यान का विकास हुआ है अज्ञान का नाश हुआ है और ज्ञान का विकास हुआ है बुद्ध के आने से ही आनापान सती जैसे ध्यान का विकास हुआ है अज्ञान का नाश हुआ है और ज्ञान का विकास हुआ है तो अनित्य अनात्मक कार्यकरण भाव जैसे सूत्र कहते हैं नागरतन जो बुद्ध के प्रभाव से ही विज्ञान का विकास हुआ है और इसीलिए ध्यान को कितना महत्व है और ये ध्यान कल्याण मित्र ही आपको बता सकते हैं अगर हम ध्यान चित्त में देखे चित्त विशुद्धि में अगर हम ध्यान की बात करते शील विशुद्धि में भी देखते हैं चित्त विशुद्धि में देखे

अपने अनुभव के वो आपको अनुभव देगा और आपको वहां से बाहर निकलेगा इसलिए शंका उस शंका से बाहर निकलने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है कल्याण मित्रता आवश्यकता तो कल्याण मित्रता ही आपको आगे बढ़ के ले जा सकती तो कर्म सिद्धांत तक हम फिर आ गए है। तो कर्म चार मुद्दे बताए बुद्ध ने हा? और वो बाबा साहब ने नमूद किया तो पहला मुद्दा है कर्म कर्म यह पहला मुद्दा तो कर्म में कुशल कर्म भी है और अकुशल कर्म भी है दोनों कर्म है कर्म कुशल भी है और अकुशल भी है आ, हम देखते हैं अकुशल कर्म ज्यादा हावी होते यहाँ अगर देखे तो हम देखे तो क्या कहते हैं पहली जो गाथा अः पद में अगर आ, आपने पढ़े होंगे पहली जो गाथा उसमें बुद्ध घोष ने मन के ऊपर जो है बुद्ध ने जो बताया वो पहली गाथा ही हमें आगाह करती है क्या कहते पहले कहा था मनोपूब गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनो मन साचे पदुठे न भाषती वा करोती वा तथो न दुख मनवेती चक्क वो पदम तो दूषित तो मन से अगर हमने कृति किए है दूषित मन से हाँ अगर हम बोलते कृति करते तो दुख हमारा पीछा करता और फिर दूसरी कथा क्या कहते निर्दोष मन से अगर हम कृति करते निर्दोष मन से अगर हम बोलते हैं तो सुख हमारा पर्शा की तरह हमारा साथ इस प्रकार यह पहली दो गाथा कर्म कुशल भी है अकुशल भी है कुशल कर्म करे तो सुख की तरफ जाएंगे अकुशल कर्म करेंगे तो अकुशल दुख की तरफ जाएंगे इसीलिए ने रखा है और बाबा साहब ने बड़ा अच्छे से रखा है कि पहला मुद्दा है कर्म कुशल भी है अकुशल दूसरा जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसने बुद्ध कहते हैं कि कृति का परिणाम होता है विपाक कर्म विपाक जिसको कहते हैं अर्थात कृति का कर्म का परिणाम होता है कुशल कर्म का कुशल परिणाम होता है जैसा बताया कि निर्दोष मन से अगर हम कार्य करेंगे तो सुख की तरफ जाएंगे तो अर्थात इसका परिणाम क्या है सुख की सुख है और दुख का परिणाम अर्थात अकुशल अकुशल निर्दोष अर्थात दूषित मन से अगर कार्य किए कृति किए तो हम किस तरफ जाएंगे अवधोगति की तरफ जाएंगे दुख की तरफ जाएंगे तो परिणाम है और परिणाम इसका हमें अगर देखा तो हमें परिणाम कभी भी हमें पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि कर्म है उसका परिणाम है और यह दूसरा मुद्दा बाबा साहब ने बड़ा अच्छे से रखा है और बुद्ध के तरफ से आया हुआ ये मुद्दा है और इसीलिए क्या कहते हैं कि पाप अगर के तो इसमें कहते हैं कि पाप अगर किए तो आप क्या कहते हैं कि न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्ब विवरंग विंग क्या कहते हैं बुद्ध न क्या कहते हैं न अंत लिखे अंत लिखे अर्थात ये अंतरिक्ष में अगर आप जाकर छुप जाओ न अंत लिखे न समुद्र मध्य समुद्र समंदर के गर्भ में भी जाकर सागर के गर्भ में जाकर अगर छुप जाओ न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पबताम विवरंग पवित्र और आपको अगर लगे कि पर्वत के पहाड़ के कंदर खाई में गुफा में जाकर भी छुप जाओ नी सो जगती पदेशो जगती प्रदेश मैंने प्रदेश ये संसार के जितने भी देश प्रदेश है वो कौन से भी देश प्रदेश में जाकर छुप जाओ अंतरिक्ष में छुप जाओ समुद्र के गर्भ में छुप जाओ या पर्वत के कंदर खाई गुफा में छुप जाओ या इस विश्व के जितने भी प्रदेश है वहां प्रदेश में जाकर छुप जाओ तो भी क्या कहते यित पाप कम्मा वहां भी आपका पीछा पाप कर्म जो किया है आपने वहां भी आपके पाप कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं वहां भी आपका पीछा करेंगे पाठलाक करेंगे ऐसा कहते बुद्ध कहीं भी जाओ आ, वो मैंने कहा था दलाई लामा दलाई लामा एक तेरावे कहते थे कि तू चांद में जाओ या तुम बृहस्पति में जाओ वहां भी आपको मरना है हाँ वहां भी आपके जो कर्म है वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए बुद्ध यहाँ कहते है तो इस, क्या कहते है कि न अंतरिखे न समुद्र मज्य न पब व्यवरंग पवित्रंग न विजती जगती पर देो ये तो पाप कम्मा कहीं भी जाओ पाप कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे नाता पिता माता रहा अये वापी च पीछे ती का तो क्या कहते नतंग माता पिता कहरा अये वापी चातिका या ती का, का अर्थात रिश्तेदार नातेवाई जो हमारे सगे संबंधी इसको याती कहा गया न तंग माता पिता न माँ न बाप न भाई न बहन न सगे न रिश्ते न संबंधी कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है समापन हितंग चित सेंग तत्व करे कोई भी कोई भी आपकी माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते जितने भी है सगे संबंधी ये कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे जितना समापन हितंग चित्तंग जितना आपका कुशल मार्ग से गया हुआ चित्त आपकी रक्षा करता है उतनी रक्षा कोई भी आपकी आपकी नहीं कर सकता। जितना कि आपका कर्म, आपकी कृति, आपके क्या कहते हैं समापन हितंग जो कुशल मार्ग में गया हुआ चित्त आपकी रक्षा करता है ऐसी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता और इसीलिए हमें कुशल कर्म करना चाहिए ये आपको कल्याण मित्र बता और इसीलिए ये जो तीसरा मुद्दा दूसरा मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका परिणाम होता है और परिणाम का हमें क्या है विपाक जिसको हम कहते हैं कृति का परिणाम होता है इसलिए हमें कौन सी कृति करना चाहिए यह पंचस्क के तरफ से हमने विज्ञान जो हमें भेद करता है ये माँ है ये भाई है ये शत्रु है ये मुसलमान है ये ईसाई है ये विज्ञान जो भेद करता है हाँ और इसके साथ में हम वेदना निर्माण होती है हमें दुखद हाँ और इसके प्रकार सज्ञान पुराना पुराना अगर पिछले साल का झगड़ा हुआ किसी के साथ तो ये, है, ये मेरा दुश्मन हम और, और अकुशल करते है और अधोगति में है। तो कल्याण मित्र तो कहता है कि ये ही सारा खेल करता है तो इस पंचस्कंध को समझो ये शरीर को समझो और क्या करना है क्या नहीं करना है तो आपकी रक्षा कौन करता है तो कर्म करता है और इसीलिए हम कुशंका से बाहर निकलने के लिए या दृष्टि से बाहर निकलने के लिए दृष्टि और कुशंका के बीच की ये ये जो दुआ है ये क्या है ये विशुद्धि कौन सी पंचस्कंद जो है ये जो है हमें कार्य कराता है कुशंका में ले जाता है दृष्टि में ले जाता है तो ये पंचस्कंदों को जब तक हम समझिए नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और इसीलिए पंचस्कंदों को कार्य करने के लिए कर्म बताया है और इसीलिए कर्म कौन से करना चाहिए नतंग माता पिता दिसो दिसंग यंतंग कैरा वेरी वापन वेरी नंग क्या कहते दिसो दिसंग यंतंग कैरा वेरी वापन वेरी नंग मिच्छा पनी ही तंग चितंग पापी योनंग ततो करे तो, तो कहते क्या कहते यहां कर्म क्या कहता है और भी बुद्ध क्या कहते हैं कि पैर से जो शत्रु शत्रु का उतना नुकसान नहीं करता बैरी बैरी का उतना नुकसान नहीं करता क्या कहते हैं शत्रु शत्रु का उतना नुकसान नहीं करता उससे कहीं ज्यादा अधिक उससे भी कहीं ज्यादा अकुशल पाप कर्म अर्थात अकुशल मार्ग से लगा हुआ चित्त आपका नुकसान करता है उतना नुकसान दुश्मन भी नहीं करता नुकसान शत्रु भी नहीं करता इसीलिए इस चित्त को अकुशल प्रवृत्ति से बाहर निकालना है और उसको निकालने का एक ही मार्ग है वो है ध्यान ध्यान से ही हम इस ओर जा सकते हैं और कल्याण मित्र आपको ध्यान के ओर प्रज्ञा प्रज्ञा की ओर ले जाता है और इस प्रकार अगर हम कुशल चित्त से आ, अगर हम अपने आप को देखे और कुशल चित्त जो है हमारा निर्माण किया तो ये ध्यान के द्वारा ही अगर हम करते तो कुछ कुशंका से बाहर निकलते हैं और कुशंका से बाहर निकलकर हम कुशल का कुशलता की ओर जाते हैं और कुशल कर्म करेंगे तो पंचस्कंद से शरीर को समझते हैं फिर कहते हैं मन हे मन अब मैं तू तेरे को बहुत देखा हाँ, बहुत तू घुमा अब मैं तुझे कंट्रोल में करता हूँ है ना बुद्ध कहते ना अनेक जाति संसारण पहले दिन देखा था हमने पहले या दूसरे दिन देखा था तो इसी प्रकार कल्याण मित्र आपको राह पर लाता है तो कुशंका मैंने क्या है तो यह हमें थोड़ा सा शंका में कैसे रहते हम शंका से बाहर कैसे जाना है तो एक छोटी सी कहानी बताकर मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा तो क्या कहते हैं कि पति पत्नी बड़े अच्छे रहते थे एक बालक भी हो गया उसको एक बच्चा भी हो गया बच्चा भी तीन साल तक का हो गया दो से तीन साल के बच्चा है तो तो क्या होता है कि कभी कभी सुबह सुबह का समय रहता है तो पति घूमने जाता है गार्डन में तो पत्नी कहते बच्चे को भी ले जाया करो तो मेरा काम धंधा होता है यहाँ तो बच्चे को लेकर जाता है वो तीन साल के ढाई तीन साल के बच्चे को और फिर वो आकर तो मम्मी मम्मी आज ब, अच्छा लगा आ, क्या अच्छा लगा मैं हमारे जी जु, जूली आंटी मिली थी हमें बहुत ही अच्छी बात आ, हम खेल रहे थे पापा भी खेल रहे थे मैं भी खेल रहा था हाँ आंटी के साथ में अः तो जूली आंटी हाँ तो कौन बताए पापा बताए तुम्हारी जूली आंटी है ये आंटी है आंटी है? है तो उसको शक आ गया एकदम संध्या आ, आ गया कि ये कौन सी आंटी आ गई यहाँ बीच में और उनके मन में ये शक शंका घर कर गई और फिर घर उनका दिमाग चौथे आसमान पर पहुंच गया और उसके मन में शंका फिर शाम को आ गई शाम को दिन भर बच्चों को पूछते थे आंटी आंटी के साथ क्या करते थे हम खेलते थे आंटी के साथ खेलते थे अः जूली आंटी के साथ पापा बोलते थे कि जूली आंटी है तो पापा भी खेलते थे हाँ पापा भी खेलते थे अः पापा भी पकड़ते थे उसको हाँ पापा भी पकड़ते थे आंटी के साथ अच्छे खेल रहे थे हम तो इस प्रकार उसके मन में घर के यार शंका हो गई और रात को आ गए घर में ड्यूटी से तो उसने खाना भी नहीं बनाया और खाना नहीं बनाया तो फिर चुपचाप और वो फिर क्या बोलेगी गुस्से में है और गुस्से में होकर फिर ना उनको आ, बात बात में आ गए कि तुम तो बहुत अच्छे चर्रे उठा गुलछ उड़ाते हो और यहाँ मजा करते हो इधर उधर घूमते रहते हो और ये कहते हैं लेकिन इसने नहीं बताया कि वो लड़के ने कुछ बताया करके लड़की की बात छुपा कर रखी उसने लेकिन उनके मन में संदेह आ गए शंका आ गई लेकिन वो शंका पूर्ण करने के लिए तो उसने वो दोनों में फिर बातचीत हो गई और झगड़ा हो गया और मारपीट हो गई और मारपीट होने के बाद में उसने मारा तो उसका हाथ टूट गया औरत का हाथ टूट गया तो उसको दवा खाने में ले गए तो उसको प्लास्टर लग गया हाथ में तो फिर क्या करना है लग गया तो प्लास्टर कर दिया रात भर आ गए घर में आ गए फिर सुबह कौन खाना बनाएगा तो खाना पना पकाने के लिए पति को पकाना पड़ा और पति को पकाना पड़ा तो ये क्या बोलती मम्मी चल बेटा अपन घूम के आते गार्डन से तो गार्डन में जाती बच्चों को लेकर और गार्डन में जाती बच्चों को लेकर ये इतना खाना पकाता है और खाना पकाने उधर गार्डन गया तो गार्डन में वो जूली आ गई और जूली के साथ मम्मी देख देख जूलिया आ गई जूली आंटी आ गई जूलिया आंटी है जूली आंटी ये है जूली आंटी ये जूली आंटी है ये तो देखती तो कुत्ती कु, कु, कुत्ता सामने था जूली कुत्ती कुत्ती का नाम था जूली और जूली को वो कुत्ती को बोलता कि ये जूली यही आंटी इसी के साथ खेल रहे थे बोले हो ये तो पापा भी खेल रहे थे इनके साथ मैं भी खेल रहे थे पापा भी पकड़ रहे थे मैं भी खेल रहा था वो भी पकड़ रहे थे इस प्रकार तो उसको तब उसका दिमाग में आ गया अरे मैंने क्या किया तो कुत्ती के ऊपर शक शक अगर किया उसने कुशंका में चला गया और उनके घर में मारपीट हो गई कलह कहाँ से हो गया कहाँ से हो गया हमारे दृष्टि से हो गया हमारे संदेश से हो गया हमारे पंचस्कंद ने क्या किया है विज्ञान ने क्या भेद कर दिया उसके मन में भेद कर दिया विज्ञान में कि जूली क्या है वो कुत्ती नहीं तो एक आधी लड़की है और लड़की के पीछे लगा देखिए कला कैसा होता है इस प्रकार हमारा विज्ञान क्या कह वहां जो है जो मन मन का है मन माने चार घटक मन के तो यहाँ शंका में चले गए तो इस प्रकार ये पंचस्क कहा से कहा ले जाता है हमें अगर वहां थोड़ा सा निरसन किया रहता और भी उसने पता किया रहता है कि सही क्या तो एक दिन रुक जाती दूसरे दिन चले जाती है देख देती छुप कर देखती कि क्या करता है तो उसका संदेह दूर हो जाता है लेकिन नहीं कि ये जो हमारी जो है ना पांचों काम पंच पंचस्क हमें कहा से कहाँ तक पटक देता है हमें पता नहीं चलता और इसीलिए ये कुशंका शंका कुशंका में हम अपना बर्बाद कर देते और इसीलिए इसको बाहर निकलने के लिए ध्यान की आवश्यकता है और ध्यान की आवश्यकता है, तो है तो कल हम देखेंगे ध्यान क्या होता है और ध्यान से कैसा आदमी आगे जाता है कुशंका से कैसा बाहर निकलता है दृष्टि से कैसा बाहर निकलता है और कल्याण मित्रता की भूमि में अपने को अपने जहां भी आप अः